हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, झाड़ू लेके आ गई और क्लीन करना है। आप लोगों को पता है क्लीनिंग ब्लॉक है। सो आज है सैटरडे, सो दो दिन के बाद दिवाली है, तो क्लीन करना ज़रूरी है। तो आप सोच रहे हो दो दिन बाकी है, क्लीन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि पहले से क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले से नहीं, ऑलरेडी क्लीन करके रखी हूँ। जब बाथरूम का काम हो रहा था तो उस टाइम पे मैंने स्टैंड और फ्रिज और आलमीरा और टेबल जो भी था सब कुछ क्लीन कर लिया था, लेकिन सिर्फ ऊपर का जो दीवार है और फैन है सो वो रह गया था। सो उसी को क्लीन कर रही हूँ, इसलिए ज़्यादा क्लीनिंग नहीं था। तो सोचा लास्ट में दो दिन बाकी रहेगा उस टाइम पे कर दूँगी, और ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो आज सैटरडे है और आज से सिद्धू का हॉलीडे भी है, 5 दिन हॉलीडे है, तो घर पे ही है। सो इसलिए शुरू हो गई क्लीन करने के लिए। मॉर्निंग से टाइम नहीं मिला था, तो अभी क्लीन करके फिर कपड़े भी धोना है, भिगो के रखी हूँ। तो पहले सोचा ये कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा शाम हो जाएगा और अच्छे से क्लीनिंग मतलब वीडियो अच्छे से नहीं बनेगा। सो इस वजह से जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। अभी वजह है 4:30 बजा है, मैं सोई नहीं, तो इस वजह से सोई नहीं हूँ, क्योंकि इसको करना था, ख़त्म करना था आज ही, इसलिए। और वेट भी नहीं कर सकती, फिर संडे से नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी दिवाली शुरू हो जाएगा, इसलिए। तो देखिए चारों तरफ मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मतलब ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, थोड़ी दिन पहले ही किया था। सो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, फिर भी जितना भी करो उतना गंदा तो होता ही है, क्योंकि रोड साइड है ना, मैंने पहले भी बोला था, तो जाली वगैरह थोड़ा थोड़ा हो जाता है, और नहीं छोटा छोटा कीड़ा सब भी आ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर नाइट में ही आता है, लाइट ऑन होता है तो उस टाइम पर आता है। सो अभी सिद्धू ने क्या कर रहा है पता है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने मोबाइल लेके कैमरामैन बन गया है, तो थोड़ा थोड़ा वो दिखा रहा है इसीलिए। और मैं नहीं, पहले बार बार कैमरा को एक जगह पे सेट करके ही कर रही थी, फिर भी ठीक से दिख नहीं रहा था। तो लास्ट में उसने सोचा कि चलो मैं ही कर लेती हूँ, लेकिन वो नहीं ज़्यादा कैमरा को हिलाता है, सो इसलिए मैं उसको ज़्यादा देती नहीं हूँ। सो गाइस, मैंने लाइट ऑन किया था, क्योंकि ज़्यादा दिख नहीं रहा था अच्छे से, ऑलरेडी मतलब ये करते करते 5 बज चुका था, तो इसीलिए। सो एक ही घर पे इतना सारा इधर उधर थोड़ा थोड़ा सामान होता है ना, तो क्लीन करने में प्रॉब्लम थोड़ा होता है, लेकिन पहले मैंने दीवार कर रही हूँ, चारों तरफ कर रही हूँ, उसके बाद ही फ़ैन करूँगी। सोचा ये क्लीन करने के टाइम पे फ़ैन पे गिरेगा तो फ़ैन ज़्यादा कर दूँगी तो वो फिर से गंदा हो जाएगा, इसलिए। तो पूरा चारों तरफ क्लीन करने के बाद अभी मैं चढ़ रही हूँ लैडर पे, तो लैडर दिख नहीं रहा है, लैडर पे चढ़ी हूँ। मैंने पहले भी दिखाया था एक लैडर, हमारे घर के मालिक के घर पे है, तो उनसे ही लेके आई हूँ। और पहले नहीं क्या कर रही हूँ, नहीं एक ड्राई कपड़े से पहले पोंछ रही हूँ, उसके बाद ही पानी में भिगो के उसको निचोड़ के उसको क्लीन करूँगी। पहले ज़्यादा से ज़्यादा गंदा है, इसलिए उसको अच्छे से निकालना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं कपड़े भी ज़्यादा गंदा होगा और पानी भी ज़्यादा गंदा होगा और मेहनत भी ज़्यादा होगा। सो इसीलिए, और मेरा हेल्प सिद्धू कर रहा है, तो कोई नहीं है घर पे तो वही कर रहा है, उन्हीं कपड़े थोड़ा सा बाहर झटक के आ रहा है, फिर मुझे दे रहा है। और मैंने उसको बोला है एक बाल्टी में पानी लेके आके उसको भिगो के देने के लिए थोड़ा निचोड़ के, तो वो भी कर रहा है, अभी देखिए वही दिया है उसने मुझे। तो क्या है ना, फैन नहीं जल्दी जल्दी मतलब 1 वीक या 15 डेज में क्लीन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि घर पे लैडर होता नहीं है, तो चेयर पे चढ़ के होता नहीं है, क्योंकि उतने दूर है, मतलब बहुत ही दूर है, सो इसलिए हाथ उतना दूर जाता नहीं। तो इसलिए घर के मालिक के पास हमेशा जाके मतलब 1 वीक या 15 डेज में जाके मांग नहीं सकते, अच्छा भी नहीं लगता है, तो ज़्यादा गंदा हो जाता है, उस टाइम पे जाके लेके आती हूँ, लेकिन वो देते हैं, ऐसा कुछ नहीं।
तो ये करना ज़रूरी था, क्योंकि घर जो गंदा रहता है तो फेस्टिवल में अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा तो क्लीन रहना चाहिए ना। तो लेके आके कर रही हूँ। घर पे कुछ सामान होता तो क्लीन करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होता, आप कर सकते हो। किसी के घर से लेके आना और उसको क्लीन करना मतलब बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो देते हैं, ऐसा कभी कुछ बोला नहीं है, फिर भी अच्छा नहीं लगता है हमेशा जाके पूछना। तो ऊपर से नीचे पूरा क्लीन कर दिया है, लेकिन फैन के ऊपर जो डिज़ाइन है नहीं, तो वो मैंने झाड़ू से क्लीन करना नहीं भूल गई, तो अभी करना पड़ेगा इसको। फिर उसके ऊपर और एक स्टेप है, तो उधर चढ़ के फिर करना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं रह जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है उसके ऊपर। और आज धूप अच्छे से हुआ है, तो यस्टरडे कपड़े धोई थी, आज भी है, धो दूँगी, क्योंकि संडे होगा नहीं, तो ये करने के बाद धोना है। और किचन का भी काम है बहुत ही ज़्यादा, चूल्हा वगैरह गंदा हो चुका है, वो भी क्लीन करना है। तो क्या ही नहीं, डेली क्लीन कर, सब कुछ डेली क्लीन करना चाहिए ऐसा है, लेकिन होता नहीं है। तो चढ़ गई ऊपर, देखिए होता वो नहीं, डर भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है गिर जाऊंगी, तो मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लग रहा है कुछ होगा नहीं, फिर भी एक लगता है ना ऐसा हो रहा है, क्योंकि पूरा चढ़ गई ऊपर, पकड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए। सो गाइस, आज का ब्लॉग नहीं, मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आप देखते रहिए। और कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल करना है, लाइक शेयर करना है, और मुझे फेसबुक पेज, इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। और मैं जब भी वॉइस दे रही हूँ, ये नाइट का टाइम है, तो आप सबको गुड नाइट।